तो जो है राजद वाला को पीटता है, और जब राजद और जेडीयू की सरकार है तो तबत्तुर जो है भाजपा वाला को पीटता है। ये लोग को विकास से नहीं मतलब है, बस जनता को उलझाने। तो गए थे कि हनीमून पे गए थे वो लोग, जाने भाई कहाँ गए थे वो लोग बतावे। उम्र तो विधायक जी के हनीमून मनाने लायक नहीं है, हालांकि ऐसा कई बार आता भी है क्योंकि बड़हरिया से विधायक जी हैं, उनका तो मनिए तो रंग रंग जो कार्यक्रम करते हैं हमेशा उनका फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल होते ही रहता है। चलिए वो तो उठाने दीजिए, अब कहने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई ये स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी है, रोड से ऊपर उड़ जाएगी, ये संभव थोड़ी है। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं ही प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, जिनको आप लोग बहुत ही मतलब कि फेसबुक पर और बहुत ही जगह आप लोग देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जनता के समस्याओं को लेकर के बात करते हैं और जनता को जहां भी प्रॉब्लम होता है वो अपनी मौजूदगी वहां पे दर्ज करते हैं और जनता की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने हमारे चैनल पर भी देखा होगा कि एक लड़का की हत्या कर दिया गया था और हत्या के दौरान उसको न्याय नहीं मिल रहा था, जिसके लिए बरौली में ही NH 27 पर जाम लगा था, जहां पर ये देखे गए थे हमारे चैनल के माध्यम से और फेसबुक पर और यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा वायरल भी रहते हैं। और ये समझिए तो अपने पार्टी में अपनी एक अच्छा मौजूदगी दर्ज किए हुए हैं। आपको बता दें कि इनका नाम आलोक आशीष पटेल है, जो कि आप लोग इनको फेसबुक पेज से भी जानते भी होंगे, और ये समझिए तो एक बहुत ही कहा जाए तो मजबूत कद्दावर नेता, जो कि अपने पार्टी में अच्छा पहुँच और पकड़ बनाने वाले नेता हैं, जो कि समझिए तो कहा जाए तो मुकेश सहनी जी के खास आदमी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और तो सबसे पहले आपसे एक हमारा सवाल रहेगा, उसके पहले सबसे पहले नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। प्रवीण जी आपको भी धन्यवाद, और आपके फर्स्ट हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सम्मानित जनता जुड़े हुए हैं और युवा साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को हमारा प्रणाम और नमस्कार। आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जहाँ भी देखा जाता है कि मतलब कि जहाँ भी जनता को समस्या होती है वहाँ पर आप अपनी मौजूदगी दर्ज करके जनता को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। इससे हो सकता है कि लोग हमें भी बोल दें कि पार्टी से मिला हुआ है, क्योंकि आजकल ऐसा चलता है कि किसी की वास्तविकता दिखाई जाए तो लोग पार्टी से जोड़ देते हैं उसे, हालांकि ऐसा नहीं है। जिसको प्रूफ चाहिए वो फेसबुक पेज पर जा करके देख सकते हैं। हालांकि जो भी लोग होते हैं वोट के पहले, इलेक्शन के पहले बहुत ही अपनी छवि चमकाते हैं, और जैसे वोट इलेक्शन बीतता है उसके बाद से अपनी छवि को कहीं और लेके चले जाते हैं, तो ऐसा भी आप करेंगे? देखिए हम तो अपने कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं। अच्छा। और बैकुंठपुर हमारा जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। अच्छा। तो जिन साथी को देखिए, पार्टी है, दल तो अनेकों है, तो यहाँ विरोधी भी हमारे हैं, तो भाई वो पेज को विजिट करें और देखें। और आपको बता दें कि बैकुंठपुर में जब दोबारा बाढ़ आया था तो सभी लोग यहाँ से फरार थे, वो समय को भी जाके विजिट करें और देखें। और हमने कमिटमेंट किया था कि सुबह में कि ठीक है आप लोगों को सब चीज़ मुहैया करावेंगे, हम न सरकार में थे, ना हम विधायक थे, ना हम सांसद थे, उसके बाद भी हमने जो है सभी लोगों को सभी व्यवस्था मुहैया करवाया। कुछ विधायक तो कहते थे कि हमारे जीते जी बाढ़ नहीं आएगा, अब कहने दीजिए, अब कहने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई ये स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी है, रोड से ऊपर उड़ जाएगी, ये संभव थोड़ी है। अरे वो प्राकृतिक है, आप उसको थोड़ी रुक पाइएगा। लेकिन विधि व्यवस्था सही होती तो शायद रुक जाता। बिल्कुल निश्चित रुकता। अब जो सरकार में है ये उनकी संलिप्तता है कि बैकुंठपुर में अनेकों बार बाढ़ आया और अनेकों बार गरीब गुरुआ असहाय लोगों के घर को जो है बर्बाद कर दिया। उस बाढ़ में हमने भी न्यूज चलाया था, उसमें आप ही दिखते हैं, बाकी विधायक क्यों नहीं? अब ये तो बात व्यक्तिगत वो लोग बताएंगे। सोनी जी के पार्टी से हैं तो आप तैरना जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानता है। देखिए हमारे नेता हैं, हमारे नेता हम लोगों को हमेशा सिखाते हैं कि भाई काम करना है, हवा हवाई नहीं जो है करना है, हवाई नहीं करना है, हवा हवाई वाला नेता नहीं बनना है, जमीनी स्तर का नेता बनना है। अच्छा। तो अब तो वो लोग बतावेंगे कि जो उस समय जो है वो लोग नहीं दिखाई दिए थे। अब वो लोग छुट्टी पे गए थे कि हनीमून पे गए थे, वो लोग जाने भाई कहाँ गए थे वो लोग बतावे। उम्र तो विधायक जी के हनीमून मनाने लायक नहीं है, हालांकि ऐसा कई बार आता भी है क्योंकि बड़हरिया से विधायक जी हैं, उनका तो मनिए तो रंग रंग जो कार्यक्रम करते हैं हमेशा उनका फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल होते ही रहता है। चलिए वो तो उनका पहले से ही स्वभाव रहा हुआ है और वो हमारे लिए सम्मानित भी हैं, और यहाँ के भी जो भी विधायक हैं वो सब लोग सम्मानित है। सम्मानित है, सम्मानित तो है ही भाई, इसलिए कि अहम पद पे हैं तब सम्मानित तो है ही।
लेकिन उतने ही सम्मान के साथ जो है जनता को देखना है और उतने ही सम्मान के साथ जनता को जो है कामों को जो है करना है। इसलिए कि विधायक हम बने आप बने, आप अपने वोट से थोड़ी बने हुए हैं, बैकुंठपुर के जनता आपको निर्वाचित की है और बैकुंठपुर के जनता के साथ भौकाल दिखाइएगा तो बैकुंठपुर की जनता तो भौकाल उतार देगी। अच्छा एक चीज़ आप हमको और बताइए, ये जो मतलब कि आपका एक हाईटेक बस निकला हुआ है, बहुत आपके पेज पे भी देख रहे हैं कि हाईटेक बस निकला हुआ है, आप लोग समझिए तो एक तरह से यात्रा करने वाले हैं, वो यात्रा का मकसद क्या है और उस यात्रा का नाम कहाँ से डिसाइड हुआ? तो जो हाईटेक बस आप देख रहे हैं तो वो हाईटेक बस का जो है निर्णय आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी ने लिए। क्यों लिए हैं निर्णय? देखिए इसलिए कि उसी बस से जो है भ्रमण करना है बिहार के कोना कोना में, अनेकों जिला में, और उस पर जो है संकल्प यात्रा का सब चीज लोगो लगा हुआ है, पार्टी का लोगो लगा हुआ है, ताकि लोग जाने कि जो है शेर निकल चुका है। क्या चीज का संकल्प? संकल्प कि हम लोग पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, जो भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका मानना है और उनका कहना है कि आप पूरे जो है बिहार के दौरा पे निकलिए। तो भाई अगर दौरा पे निकलना है तो कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए जिससे जनता में ये संदेश जाए कि आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी जो है निकल गए। तो क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए निकलना है कि जनता के समस्याओं को देखने के लिए निकलना है? देखिए पार्टी को भी मजबूत करना है और जनता के समस्या को भी सुनना है, ये तो दोनों साथे साथ ही जो है कारवा चलेगा। दोनों साथ साथ चलेगा? बिल्कुल दोनों साथ साथ चलेगा। अच्छा मतलब कि देखने में बहुत ही आता है कि आजकल बहुत ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है सिस्टम में जी, कई जगह घूस लेने का वीडियो वायरल होता है, कहीं प्रशासन से संबंधित होता है, कहीं अधिकारी से संबंधित होता है, कहीं नेता लोग से संबंधित होता है। आप जाके देखिए ब्लॉक पे, यही बैकुंठपुर का ब्लॉक जो सिदौलिया है, आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा क्या चीज आपने नोटिस किया जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था? भाई सबसे ज्यादा तो आप देख लीजिए जमीनी विवाद में भ्रष्टाचार हो रहा है, दाखिल के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कितना बात आपको बताया, आए दिन तो लोग हम लोग के पास आता है बताता है, सब चीज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि हम सरकार में नहीं है अभी, न यहाँ से हम कुछ विधायक है न सांसद है, ठीक है ना। वो समय आएगा यहाँ की जनता चाहेगी तो भ्रष्टाचार को जरूर खत्म करेंगे। बिहार में बहुत ही बड़ी समस्या है और समस्या है कि बांध और बाढ़, दो समस्या है, बाढ़ को कहें या बांध को कहें, समझिए तो दोनों एक ही से मिला जुला है। लेकिन बाढ़ से हर साल आज दिन कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितनी पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, सरकार के भी बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं, बहुत सारा लूट घसोट भी होता है, इस पर आप क्या कहिए? क्योंकि बिहार की एक समझिए तो सबसे बड़ी समस्या बाढ़। अब ये तो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखना होगा कि बिहार में जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है, क्या कारण है। और जो लूटपाट की बात है तो मान लीजिए कि आपको पता है कि जब भी सरकार बनता है तो हर जो कहने का अर्थ है कि जैसे जल संसाधन विभाग है, हर विभाग के अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, तो जल संसाधन विभाग के भी मंत्री हैं। ये तो उनका दायित्व है कि वो देखे कि भाई बिहार में ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों बाढ़ आ रहा है, उसका निदान ये करे। और जहां आ रहा है वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसका जो है निष्पादन। अच्छा आए दिन देखने को मिलता है कि कभी युवाओं पर लाठी, तो कभी पत्रकारों पर लाठी, कभी नेताओं पर लाठी, ये बिहार में आखिर हो क्या रहा है? देखिए पत्रकार पे तो लाठी नहीं चलना चाहिए, पत्रकार को तो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो पत्रकार का तो काम ही है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करना। लेकिन आजकल जो भी पत्रकार निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी, उनको फंसाना, उनको जेल भेजना, आजकल ऐसा ही हो रहा है। देखिए सरकार है, अब जिनकी सरकार है लोग कहता है ना उनकी लाठी, जैसे जिनकी भैंस उन्हीं की लाठी, तब इस पर जो है व्यक्तिगत टिप्पणी हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम पत्रकारिता जो लोग करते हैं उनको निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करने देना चाहिए और उनके ऊपर ना कोई रोक लगाना चाहिए ना उनके ऊपर किसी प्रकार को जो है दिक्कत और परेशानियाँ आनी चाहिए। नहीं तो इससे भाई जो युवा जनरेशन के लोग आजकल हम देख रहे हैं, हम भी घूमते हैं पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो उनके अंदर जो जोश जुनून है कि हम हर भ्रष्टाचार को हर चीज़ों को ग्राउंड पे दिखावे हैं, ऐसे मनोबल उन लोगों का कम हो। लेकिन नेताओं भी तो भेजते हैं, अब नेता हाल ही में आपने देखा था विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई और जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। देखिए जिनकी जान गई उन पे तो हम किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो मान लीजिए कि संवेदनशील घटना है, उनके परिवार के प्रति
हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन जो लाठी चार्ज वाली बात है इससे पूर्व में आप याद कीजिए, ये जो है सब मिलके बंटी बबली का खेल खेल रहा है। बंटी बबली का खेल, बंटी बबली का खेल है। जब भाजपा और जेडीयू की सरकार रहती है तो जो है राजद वाला को पीटता है, और जब राजद और जेडीयू की सरकार है तो तबत्तोड़ जो है भाजपा वाला को पीटता है। ये लोग को विकास से नहीं मतलब है, बस जनता को उलझाने से मतलब है, विकास नहीं। ऐसा नहीं ना होगा कि अब नीतीश कुमार की बारी है? अब देखिए, अब तो ये क्या कह सकते हैं, अभी तो वर्तमान में सरकार है, सरकार ही है बिहार के, और गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो परिकल्पना जो नहीं किया जा सकता। लोग तो कह रहे हैं कि जो आरजेडी की सरकार है वो बीजेपी से बदला ली। अब तो इस पे व्यक्तिगत तो टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन बीजेपी के दौर में जब हुआ था तो उसमें प्रशासन उतना उग्र नहीं हुई थी कि किसी की जान चली जाए, लेकिन इसमें इतना उग्र क्यों? नहीं, देखिए लाठीचार्ज माहौल को देखते हुए करना चाहिए। अगर माहौल भगदड़ के रूप में, दंगाई के रूप में अगर भड़क रहा है तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन इस प्रकार का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए कि किसी की जान किसी की जान चली जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। इस तरह की जो है लाठी नहीं चलनी चाहिए। आंदोलन धरना करना सबका जो है अपनी संवैधानिक अधिकार है और सब लोग स्वतंत्र हैं। हालांकि उसमें प्रशासन से अनुमति लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था। देखिए, इसमें तो हम कहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो कमेटी गठन करके इसकी जांच करावे कि आखिर इसमें जो है आदेश कौन दिया था और कौन किनकी जो इसमें संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आप इस जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा जो बैकुंठपुर की जनता है, क्योंकि आप बैकुंठपुर में हैं और आने वाले समझिए तो विधायक प्रत्याशी हैं। देखिए, बैकुंठपुर के सम्मानित जनता को हम कहेंगे कि आपको जब भी आवश्यकता पड़ती है आप अपने बेटा को याद कीजिए, हर संभव आपके लिए खड़ा रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप सभी लोग बैकुंठपुर में हैं तो बैकुंठपुर के विकास को देखिए कि बैकुंठपुर में भी फिलहाल क्या विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है, इस चीज़ों को याद रखिए और आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो से कितना संतुष्ट हैं, और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। उस सवाल को भी हम, हो सकता है कि अगली बार इनके साथ चर्चा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।